नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। कल राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट के बाद आज कांग्रेस का आधिकारिक ट्विटर अकाउंट हैक। कई आपत्तिजनक ट्वीट हुए पोस्ट। राहुल ट्विटर हैक मामले में FIR दर्ज। नोटबंदी के 23वें दिन भी नहीं सुधरे हालात। ATM के बाहर रात भर से लगी है लंबी कतारें। आज सैलरी आने के बाद बिगड़ सकते हैं हालात। किल्लत से निपटने के लिए RBI जारी करेगा ज्यादा कैश। नोटबंदी के बाद विपक्ष के रडार पर आयकर संशोधन बिल। आज राष्ट्रपति दरबार में विपक्षी दल के नेता लगाएंगे हाजिरी। सरकार की करेंगे शिकायत। आज लखनऊ को मिलेगा मेट्रो का तोहफा। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मेट्रो के ट्रायल रन को हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। मुंबई के JK सोमानी बिल्डिंग में लगी भीषण आग। सिलेंडर ब्लास्ट के बाद बिल्डिंग को भारी नुकसान। दमकल के करीब 20 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। दिल्ली NCR में कोहरे और ठंड का डबल अटैक। सड़कों पर रेंग रेंग कर चल रही हैं गाड़ियां। हवाई और रेल यातायात पर भी असर। और अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान को आश्वासन। ट्रंप ने पाकिस्तान की सारी समस्याएं हल करने की जताई इच्छा। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। देखते रहिए DB Live, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।